सामने जहां न्यूज स्टूडियो से आपको कहते हैं खुश आमदीद। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। तफसीलात जानने से पहले अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ खुलने वाला बेल का आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई अपडेट से आगाह रह सकें। तो चलते हैं आज की अपडेट की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी पाकिस्तान में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसके लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। पीसीबी की तरफ से पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, फखर जमान, आरिफ रऊफ, हसन अली, इफ्तखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, शादाब खान, शहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद शामिल हैं। ये वनडे सीरीज 17, 19 और 21 सितंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में जो श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था उसके बाद से न्यूजीलैंड इतने अरसे बाद अब पाकिस्तान कोई सीरीज खेलने के लिए आ रही है, उसकी होस्टिंग पाकिस्तान कर रहा है। और ये सीरीज इस सीरीज में 3 वनडे इंटरनेशनल और 5 T20 शामिल होंगे। वनडे इंटरनेशनल के स्काउट से आप कितना मुत्तफिक हैं, कौन सा खिलाड़ी सही सिलेक्ट किया गया है और कौन सा सही सिलेक्ट नहीं किया गया, अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें साथ और वीडियो को शेयर करना मत भूलें और अपनी राय लाजमी कमेंट में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।